रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जी हां, दरअसल सूत्रों के मुताबिक आरआरबी यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी परीक्षार्थियों की मांगे मान ली है, जिसकी आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जा सकती है। इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये साफ कर दिया है कि समिति को 3 लाख शिकायतें और सुझाव मिले हैं, जिसका समाधान जल्द अधिसूचित किया जाएगा। बता दें कि पूर्व में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी के रिजल्ट के तरीके और ग्रुप डी भर्ती परीक्षा को 2 चरणों में कराने के खिलाफ हजारों अभ्यर्थियों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद रेलवे ने अभ्यर्थियों की मांग पर विचार करने के लिए कमेटी का गठन किया। कमेटी ने अधिकारियों के सुझाव और शिकायतें सुनने के बाद मार्च के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंप दी थी, जिसके बाद असफल अभ्यर्थियों ने एनटीपीसी रिजल्ट पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि 7 लाख उम्मीदवारों की बजाय 7 लाख रोल नंबरों का चयन क्यों किया गया है। पहले एक पद के लिए 10 प्रत्याशी, अब 10 पद के लिए 1 प्रत्याशी, काफी उम्मीदवारों का चयन 1 से पदों के लिए किया गया। अभ्यर्थियों ने ग्रुप डी की कंप्यूटर आधारित परीक्षा को 2 चरणों में लिए जाने पर आपत्ति जताई थी। अधिकारियों ने कहा था कि 3 साल बाद परीक्षा हो रही है, इतने लंबे समय बाद 2 चरणों की सूचना देना गलत है, इससे भर्ती प्रक्रिया में और देरी होगी। इसके अलावा ग्रुप डी में सभी अभ्यर्थियों के लिए आंखों की मेडिकल जांच अनिवार्य किए जाने पर भी सवाल उठाए गए, जिसके बाद अब ये खबर सामने आई है कि अब जल्द ही रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है।